हेलो दोस्तों, मैं हूँ माधुरी और ओरिजिनल फूड चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए, आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी, वो भी भाजी की। ये देखिए, ये जो नोनिया की भाजी है, ये मैंने धोकर और काट कर रख ली है इसे। ये देखिए, थोड़ी सी भाजी है और मैं बनाने जा रही हूँ आज भाजी की कढ़ी। आप नोनिया की भाजी हो या फिर पालक की भाजी हो, कोई भी डाल सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं आज नौनिया की बना रही हूँ, तो आइए देखते हैं कैसे बनती है ये। तो ये देखिए, मैंने जरा सा इसमें ऑयल डाल लिया है, 1 चमचा ऑयल है। अब मैं गैस ऑन करती हूँ, बिल्कुल धीमी धीमी आंच रखनी है। और ये देखिए, जरा सी मैंने 2 हरी मिर्ची काट कर रख ली है। और ये देखिए, एक बाउल मैंने जितनी भाजी ली है उतना ही मैंने बेसन ले लिया है। ये देखिए, 1 कटोरी बेसन है और 1 कटोरी भाजी है। तो इन दोनों को मिलाएंगे और साथ में दही भी लेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, ऑयल गरम हो गया है और अब मैं इसमें डालूंगी, ये देखिए, 1 चम्मच मेथी दाना और 1 चम्मच, ये देखिए मैंने राई ली है, जिसे सरसों भी बोलते हैं, ये ले लीजिए, ये भी डाल दीजिए और इसे थोड़ा सा चटकने दीजिए। ये देखिए, चटकने लगी है। और अब मैं इसमें डाल दूंगी हरी मिर्ची। अब ये भाजी डाल देना है और ये देखिए इस तरह से चलाना है। ये देखिए, थोड़ी सी भाजी को इस तरह से बढ़िया अकोड़ लेना है, मतलब थोड़ा सा सेंक लेना है। और अब मैं इसमें डालूंगी दही। तो ये देखिए, ये दही को मैं डाल रही हूँ लगभग 1 से 1.5 बाउल। ये देखिए, 1.5 बाउल दही हो गया है। और ये देखिए, इस तरह से इसको मिला लेंगे। अब इसमें पानी डालेंगे, सॉरी, देखिए मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, थोड़ा सा पानी डालना है पहले। और इसके बाद इसमें हल्दी ऐड करनी है। देखिए, थोड़ा सा मैंने पानी डाला है। अब मैं डालूंगी इसमें बेसन और हल्दी। ये देखिए, बेसन को इस तरह से मैं बिल्कुल स्लो आंच पर, बिल्कुल लो आंच पर इस तरह से देखिए मिला लेना है। इस तरह से इसमें लम्स भी नहीं पड़ेंगे और आपको अलग से बेसन घोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये देखिए, बेसन घुल गया है। देखिए कितना नया तरीका है बिल्कुल बेसन घोलने का। और अब मैं इसमें डाल दूंगी, ये देखिए, 1 चम्मच हल्दी। और अब मैं इसमें डालूंगी पानी। तो ये देखिए, ये मैंने डाल दिया है इसमें पानी 1 लोटा। और ये देखिए, 2, क्योंकि इसे थोड़ा अभी ये पतली लगेगी, इसके बाद ये जब चुरेगी तब ये बहुत आसानी से बढ़िया कढ़ी जैसी हो जाएगी। ये देखिए, ऐसे हमें पानी लेना है थोड़ा, और इसमें थोड़ा पानी और ऐड करेंगे। देखिए, मैंने लगभग ये समझ लीजिए 2 2 कंटेनर पानी डाला है, मतलब 2 लोटा पानी डाला है इसमें।
और थोड़ी सी हल्दी और डाल देंगे। थोड़ा हल्दी कम लग रही है इसलिए मैंने देखिए ये 1.5 चम्मच हल्दी डाल दी, और ये देखिए ये लाल मिर्ची भी डाल दी है, मिर्ची पाउडर। और इसमें ये देखिए थोड़ा सा हींग डालेंगे, ये देखिए चुटकी भर हींग ले ली, ये भी डाल दी। और अब डालेंगे इसमें नमक। तो ये देखिए 1, 2 और 3 चम्मच इसमें नमक डालना है। ओके हेलो दोस्तों, ये देखिए आने लगा है ना अच्छा कलर। ये देखिए मात्र 2 मिनट हुए हैं अभी। अब इसे मीडियम आंच पर हम पकाएंगे इस कढ़ी को, ये भाजी वाली कढ़ी को। इसमें सारे मसाले ऐड हो चुके हैं, और मैं जो बताने जा रही हूँ जो एक खास सीक्रेट है, इससे ना ही आपको दही डालने की ज़रूरत है, ना ही मठा डालने की ज़रूरत है, और ना ही आपको अमचूर डालने की ज़रूरत है। सिर्फ आप एक चीज़ डाल दीजिए, इससे आपकी कढ़ी तैयार हो जाएगी, बढ़िया खट्टी कढ़ी, जैसी भी आप खट्टी चाहते हैं उस तरह की टेस्टी कढ़ी तैयार हो जाएगी। कभी भी बना सकते हैं घर पे आप बिना दही बिना मठा के। वो है ये देखिए, ये है दोस्तों नींबू का सत, जिसे हम टांडरी भी बोलते हैं। ये बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। तो ये देखिए मैं इतना, ये 1 चम्मच इसमें डालने जा रही हूँ ताकि ये बढ़िया खटाई वाली कढ़ी बने। आपको जितनी भी खट्टी खाना हो उतना कम बार डाल सकते हैं। तो ये देखिए मैं ये डालने जा रही हूँ, ये डाल दी मैंने, और अब इससे बढ़िया टेस्ट आएगा और कढ़ी भी मज़ेदार लगेगी। इस तरह से अगर आप कढ़ी बनाएंगे तो आप घर पर कभी भी कढ़ी बना सकते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज की। चलिए तो अब इसे पकने देते हैं, लगभग 1.25 घंटे तक इसे पकाना है। पहले इसे थोड़ा तेज आंच पर पकाएंगे और साथ में चलाते रहेंगे इस तरह से, ताकि ये ऊपर तक ना आए, ऊपर आए तो ये बैठ जाए। तो चलिए इसे आधे घंटे बाद फिर देखते हैं कि कैसी बनी है। ओके देखिए दोस्तों, बन चुकी है भाजी वाली कढ़ी। ये देखिए कितनी बढ़िया बनी है। ये देखिए मैंने जो इसमें जो सत डाला था नींबू का, उससे बहुत बढ़िया तो खुशबू आ रही है, और खटाई भी आ गई होगी क्योंकि दही डालो या ना डालो उससे ज़्यादा खटाई नहीं आती है, बट ये डाल दोगे तो इससे बहुत अच्छी खटाई आती। ये देखिए कितनी बढ़िया बन गई है, देख सकते हैं आप। तो बस इस तरह का, ये देखिए इस तरह की रखनी है हमें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिए, और कमेंट करके बताना और बनाना ज़रूर, और बताइएगा कैसी बनी है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए रेसिपी के साथ।